होप, फियरलेस, बिलीव, ब्लेस्ड, सारे मस्त मस्त लिखे हैं यहाँ पे। सामने मेरे DJI का स्टोर है और आपको पता ही होगा कि DJI इज द बेस्ट इन ड्रोन्स एंड ऑल, एंड वो चाइनीज कंपनी है। रेट्स वगैरह की बात करूँ तो ये सब भाई जी मिल गए पाकिस्तान के इस्लामाबाद से, राइट। ये सर जी ने पानी पूरी मंगाई हमारे लिए। सर आपका नाम क्या है? सुरेश। सुरेश जी बहुत बहुत शुक्रिया। और आपका नाम क्या है मैम? रचिता। रचिता जी, अच्छा। She wants to take a photo with you. Okay, no problem. You? मेरी बस ना आ जाए बस। Okay. Okay, welcome. My God, कितना huge रेलवे स्टेशन है वुहान का। सही में बहुत ही मैसिव है, बहुत ही ग्रैंड है। तो गाइस स्वागत करता हूँ आप सभी का एक नए ट्रैवल वीडियो में चाइना सीरीज के। आज के वीडियो में हम ट्रैवल करने वाले हैं वुहान से बीजिंग, द कैपिटल सिटी ऑफ चाइना। हेलो नमस्ते आदाब सत श्री अकाल केम छो जय जिनेन राइट वणक्कम। सो अब बज रहे सुबह के 9:30 और मेरी ट्रेन टाइमिंग है 10:20 की, यानी कि 50 मिनट्स अभी भी बाकी है। लेकिन वही बात है ना, जिस तरीके से हम एयरपोर्ट में घंटा दो घंटा पहले आते, चाइना में भी हाई स्पीड ट्रेन पकड़नी है भाई, एक घंटा मिनिमम पहले आना अनिवार्य है। मेरे हॉस्टल से मेट्रो पकड़ी, 40 मिनट्स में यहाँ पहुँच गया। एनीवेज अगर ट्रेन की बात करूँ तो 520 युआन की टिकट है, क्योंकि हाई स्पीड ट्रेन है ना। 520 युआन मतलब 6,000 रुपये के आसपास हो गया, उससे भी महंगी हो गई टिकट, क्योंकि 1,050 किलोमीटर की ये डिस्टेंस है वुहान से बीजिंग। सबसे पहले यहाँ पे मैं पानी की बोतल भर देता हूँ मेरी। हाँ जी, तो मैं कह रहा था 1,050 से 1,100 किलोमीटर है और 5.5 घंटा लगाएगी, मतलब ऑन एन एवरेज एक घंटे में 200 किलोमीटर कवर करेगी। एनीवेज इससे सस्ती टिकट्स भी मिलती है, मतलब 6,000 तो बहुत ही महंगा हो गया। सस्ती टिकट्स आपको लॉन्ग ड्यूरेशन लगाएगी, मतलब ओवरनाइट जर्नी 11 घंटे 12 घंटे, वो सब वुचांग से जाती है। ये वुहान स्टेशन है, वो वुचांग से जाती है, जो जाहिर सी बात है मेट्रो से आप जा सकते हो, वुहान सिटी का ही पार्ट है वुचांग। हमें देख पा रहे हो भीड़ कुछ ज्यादा ही है, मतलब माय गॉड कितनी पब्लिक है, पूरा वुहान आ गया इधर, सच कह रहा हूँ। फिर भी वेटिंग टिकटें का पंगा नहीं रहता है, मतलब इधर सिस्टम ही नहीं है वेटिंग टिकटों का। क्यों? क्योंकि हर एक मिनट में ट्रेन है। जी हाँ, हर शहर से हर एक मिनट में अलग अलग शहरों के लिए ट्रेनें होती है। चाइना में ट्रेन बुकिंग में कभी कभी पंगे हो सकते हैं, लेकिन इंडिया में IRCTC की ट्रेन बुकिंग करने में पंगे नहीं होते, बिकॉज मैं यूज़ करता हूँ वीगो का ट्रैवल ऐप। जी हाँ, वीगो ट्रैवल ऐप में आप इंडियन रेलवेज की ट्रेन्स बुक कर सकते हो, ढेरों सारी एक्टिविटीज़ बुक कर सकते हो, और फ्लाइट्स और होटल्स तो बड़े बड़े ट्रैवल पोर्टल्स को कंपेयर करके आपके सामने ढेरों सारे ऑप्शंस अवेलेबल करवाता है, जिससे आपको भी बुकिंग्स करने में आसानी हो और बजट फ्रेंडली हो। अब जब एक ही ट्रैवल बुकिंग ऐप में सारे टाइप्स की ट्रैवल बुकिंग हो जाती है तो क्या ही दिक्कत है। अभी डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में ही है, ऑलरेडी डाउनलोड कर चुके हो तो उसे अपडेट जरूर करना। तो एंजॉय अमेजिंग ऑफर्स। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना दिख गए, मतलब बीजिंग पहुंच गए। ये लुशेंग वही वाला लुशेंग तो नहीं है चांदनी चौक टू चाइना में? लुशेंग, मेरे को लुशेंग बनना है। ओ तेरी भाई साहब, इतनी गर्मी, अब भी सबवे से निकला हुआ, सच कह रहा हूँ। मेरे को तो लगा था भाई बीजिंग में थोड़ी ठंड मिलेगी, बिकॉज नॉर्दर्न पार्ट में है ना चाइना के, यहाँ पे तो 36 डिग्री टेम्परेचर है, और जैसे ही सबवे से बाहर निकला, माई गॉड ऐसा गर्म गर्म छटका लग रहा है ना, जैसा राजस्थान में लगता है ना, बस वैसा ही। अभी यहाँ से केवल 3-4 मिनट बाय वॉक है अपना हॉस्टल, ये डोंगसी रेलवे स्टेशन जो उतरा हो यहाँ का। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ अलग है अदर सिटीज से, चौड़े चौड़े रोड, और अगर बिल्डिंगें भी देख लो तो थोड़ी पुरानी कंसेप्ट में मिलेगी आपको।
मेरे हिसाब से तो यही होनी चाहिए हॉस्टल, क्योंकि उन्होंने कहा था कि बाहर लैंटर्न्स लगे हुए, नाम तो कुछ है नहीं लिखा हुआ। ऑलराइट गाइस, तो ये हम पहुंच गए बीजिंग के अपने हॉस्टल में, चेक इन प्रोसेस हो ही रहा है। तो फिर हॉस्टल दिखाने से पहले, थोड़ा रेस्ट करने से पहले, फ्रेश होने से पहले, कुछ खाने पीने से पहले एक बार बाहर निकलते हैं, क्योंकि आते वक्त रास्ते में मैंने एक बड़ी सी सुपरमार्केट देखी थी। तो सुपरमार्केट में देखते हैं, कुछ खाने पीने की चीज़ें खरीद लेते, स्नैक्स खरीद लेते, फिर आते हैं। और भूख तो इतनी तगड़ी लगी है कि स्नैक्स से काम चलेगा नहीं, तो यहाँ पे माइक्रोवेव वगैरह है, अपन चावल वावल पका के ही खाएंगे, फिर निकलेंगे घूमने बीजिंग को रात में, है ना। तो ये हम आ गए अपने हॉस्टल के इलाके के एक सुपरमार्केट में, जो आप देख सकते हो मतलब सब काम की चीज़ ही लग रही है। आई मीन फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, सारी चीज़ें मिल रही है। इनफैक्ट ये क्या छिबरिया, हम तो छिबरिया बोलते हैं मारवाड़ी में, छोटे होते हैं लेकिन ये तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। एनीवेज एप्पल है, पीच है, ये क्या है भाई, कुछ तो है, मतलब ऑरेंजेस है, बड़े है, छोटे है, बहुत चीज़ें यार। ओए होए, बनाना क्या भाव दिया? अच्छा, ये सिस्टम भाई पहली बार देखा है। हर एक पैक का अलग अलग भाव है, ऐसा नहीं कि एक ही भाव है। जैसे ये 14.28, 12.80, 11 yuan। मैं बोला मैं चार पांच लेके क्या करूँ 12 yuan, 13 yuan का। इससे अच्छा आप मेरे को दो तोड़ के दो ना, नीचे वजन करवा के दे दूंगा इसका 5 yuan, 50-60 rupees जो भी है ना। अच्छा ये 4.31, ये ऐसे कॉन्स देखे क्या आपने, कलरिंग रंग भी रंगे। ये भाई साहब काला कॉर्न भी उगाते क्या? अरे हाँ यार, काला कॉर्न भी है इनके पास। तो ये मैडम इसका रेट चेक कर रही है। ये सेम चीज़ मैंने वुहान में खरीदी थी 16 यौन की, यहाँ पे मैं दो रेट देख पा रहा हूँ, एक 17.60 छोटा सा रेट है और ये 9.90। मैं बोला पूछ के ही देख लेता हूँ ना क्या है, 9.90 रहेगा बिकॉज सच में सस्ता है यार यहाँ पे, क्योंकि अपने इधर भी ऐसा रहता है ना दो रेट के, MRP ये है लेकिन हमारा रेट ये है। हाउ मच? 9.90 करेक्ट। तो भाई जी हमने बनाना, मिल्क शेक, थोड़े बहुत ड्राई फ्रूट्स, ये कॉर्न चिप्स, ये सब ले लिए ब्रेकफास्ट या फिर नाश्ते के हिसाब से, देखते कितना बिल आता है टोटल। ये प्लास्टिक बैग समेत आया 40 युआन का बिल। वैसे स्टोर का नाम है वू मार्ट, ये ध्यान रखना बीजिंग में वू मार्ट बहुत सस्ता मिलेगा हर प्रोडक्ट आपको। हाँ जी गाइस, तो रात के बज गए 8 और हम फ्रेश भी हो गए, तैयार भी हो गए, थोड़ा रेस्ट करना था वो भी कर लिया और कुछ पका के खाना था वो भी हमने खा लिया। वो रहा मेरा रूम, अभी रूम क्या बताओ, वो के वही बेड्स होते हैं। ये रहा वॉशरूम, वॉशरूम क्या ही बताओ, वो का वही शॉवर और टॉयलेट वगैरह होता है। वो रहा किचन, अब किचन भी क्या ही बताओ, क्योंकि किचन सिर्फ नाम का है, क्योंकि मैं जैसे ही बुक किया और आया, मैं बुक अभी क्यों करता हूँ, किस हिसाब से करता हूँ कि अंदर माइक्रोवेव वगैरह तो सुविधा है ना, उस हिसाब से तो booking.com वगैरह में जब देखा तो था। इस हॉस्टल का नाम है सोंगी इंटरनेशनल यूथ हॉस्टल ऐसा कुछ है, ठीक है। तो माइक्रोवेव वगैरह था सब, ठीक है, इस हिसाब से मैंने 1500 दिया, वरना मैं 1300-1400 वाली भी मिल रही थी वो बुक करता ना, लेकिन मैंने सोचा कि ठीक है माइक्रोवेव में खाना पका के अपन खा सकेंगे, इसलिए मैंने ये बुक किया। तो जैसे ही मैंने बुक किया, आया, पेमेंट दिया, फिर मैंने बोला भैया माइक्रोवेव किधर है, तो इन्होंने बोला कि माइक्रोवेव लेकिन आप यूज़ नहीं कर सकते। मैंने कहा अगर यूज़ नहीं कर सकते तो भाई दिया क्यों, आपने नहीं देना चाहिए था ना booking.com में, हम वो देख के तो बुक किया। तो उन्होंने कहा कि चाहिए तो आप पैसे वापस लेके जाओ, किधर और रुक लो। मैं बोला ये तो गलत बात है भाई, इतनी धूप में अभी 3-4 दिन के लिए आया हूँ बीजिंग और ये सब ढूंढते रहो क्या, पूरा दिन बिगाड़ू क्या, इधर ही रहूँगा भाई। और अगर वही आप इंडिया में आते ना तो ऐसे आपके साथ कोई नहीं करता। इन्होंने अपोलोजाइज किया, फिर इन्होंने मेरे को माइक्रोवेव तो नहीं एक कुछ दूसरा यूटेंसिल दिया, पॉट जैसा जो इलेक्ट्रिक पॉट रहता है, उसमें मैंने चावल बनाया, खाया, अच्छा लगा। फिर उन्होंने मेरे को पानी की बोतल कॉम्प्लीमेंट्री दी। एनीवेज ये स्टोरी मैंने आपको क्यों बताया, इसका कारण है कि अगर आप कभी भी ऐसे बुकिंग करो ऑनलाइन और जो ऑनलाइन में दिखा रहे हैं वो चीज़ नहीं मिले वहाँ पे, तो आप लड़ सकते हो उनसे, मांग सकते हो, फिर भी वो मना करे और बोले कि भैया ले पैसा, तो और लड़ो कि भैया ये क्या तरीका है क्या, चुपचाप अभी बुकिंग किया इधर ही रहूँगा, तू मेरे को फुलफिल करके दे, अनलेस अगर आपको ज़रूरत नहीं है ज़्यादा तो ठीक है आप लड़ सकते हो, वही बात है। चलो अभी निकले ही है बाहर, मस्त रात तक एंजॉय करते बीजिंग को, फर्स्ट इंप्रेशन देख लेते कि बीजिंग कैसा है। फर्स्ट इंप्रेशन में सच्ची बोलूँ तो गाँव वाव की याद आ रही है। चलो आगे जाके देखते हैं ना फिर। तो ये सब भाई जी मिल गए पाकिस्तान के इस्लामाबाद से, राइट? हाँ जी, तो वही हिंदी उर्दू सेम सेम है तो वार्तालाप में पता चल ही जाता है ना, वही बात है। ये आप लोग स्टूडेंट हो यहाँ पे बीजिंग में, कितने साल हो गए आपको? 5 साल हो गए। अच्छा 5 साल हो गए, तो आपको तो चाइनीज आती होगी एकदम? चाइनीज बहुत मुश्किल है, बस आती है थोड़ी बहुत, काम चलाओ काम निकल जाता है। चाइनीज इज लाइक एन
अनदर PhD सही बात है। घूमने निकले आप? हाँ, बस इधर खाना खाने निकले, इंडियन रेस्टोरेंट जा रहे हैं। अच्छा, इंडियन रेस्टोरेंट, बहुत खूब। इधर है क्या, क्या नाम है यहाँ पे? दास्तान। दास्तान, अच्छा अच्छा, बहुत खूब। चलो मिलके अच्छा लगा, चलो बाय बाय। तो गाइस, इस वक्त हम है एक शॉपिंग मॉल में बीजिंग के। वैसे तो बीजिंग में ना हर 100 मीटर पे एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या एक शॉपिंग मॉल है, लेकिन उसमें से दो तीन ऐसे खास है ना जिसका इंटीरियर ओए होए होए एकदम अलग है, एकदम यूनिक है, देखने लायक है। वही बात है, इस वक्त मैं हूँ पार्क व्यू ग्रीन मॉल में और ये बहुत ही शानदार है, बिकॉज एक से एक चीज़ मेरे को देखने मिल रही है और इनफैक्ट भीड़ तो ज़रा भी नहीं है। जैसे कि मैंने कहा कि हर 100 मीटर पे है, तो जाहिर सी बात है भीड़ फिर एक मॉल में क्या ही होगी। एनीवेज, अपन वो दोनों तीनों जगह कवर करेंगे जो जो खास है, और यहाँ मैं अभी बोल के नहीं, दिखा के बताता हूँ कि कितनी खास है ये जगह। सामने मेरे DJI का स्टोर है, और आपको पता ही होगा कि DJI इज द बेस्ट इन ड्रोन्स एंड ऑल, एंड वो चाइनीज कंपनी है। रेट्स वगैरह की बात करूँ तो मेरे को ये सब न्यू आइटम्स का तो रेट नहीं पता है, बिकॉज वाकई में शानदार है यार। ये तो अपन को इंडिया में देख भी नहीं पाएंगे, बिकॉज Amazon वगैरह में भी जो है वो Mavic Mini 2 या फिर लिमिटेड ऑप्शंस मिलते हैं, वो भी तीन गुना भाव में मिलते हैं, बिकॉज बैन है ना चाइनीज प्रोडक्ट्स इंडिया में। वही बात है। अरे वाह, DJI का ये भी है क्या? कुछ जोरदार है, इसमें भी कैमरा रहेगा, जाहिर सी बात है ना, मस्त चीज़ है। अरे वाह, टेलो कितने का है यहाँ पे? सो दिस इज द रेट, राइट? 699 यूआन। इंडिया में अमेजोन में शायद तक ये 15,000 का मिलता है। वाओ, सुपर्ब है। एवटा के दर्शन हो गए। DJI एवटा मस्त ड्रोन है, वो FPI बोलते हैं ना इसको, ये पहनने का, ये रिमोट से आप चला सकते हो इस ड्रोन को, एकदम रियलिटी लगता है। जो जो ये पहाड़ों के बीच से, रिवर से बीच से जाएगा तो ऐसा रियलिटी लगेगा। ये कितने का है? 1,00,000 रुपये का है, 1,00,000 से थोड़ा कम। सही है। वो आपको ब्लू लाइटिंग वाली बिल्डिंग दिख रही है, बस वही था पार्क व्यू ग्रीन मॉल जहाँ हम गए थे। अभी ये सेकेंड है, द प्लेस, ठीक है, द प्लेस मॉल इसका नाम है, और ये भी बहुत खास है, बहुत फेमस है बिकॉज ऑफ इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी बाहर से तो क्या ही पता चले, अंदर जाते हैं और देखते हैं इसकी खूबसूरती और ये क्यों यूनिक है। ओ तेरी, अंदर क्या जाए, बाहर से ही तो इतना खूबसूरत है, पूरा उल्टा डिस्प्ले है। वाओ, आपके ऊपर मतलब डिस्प्ले है, इतनी बड़ी, वो भी कोई छोटी डिस्प्ले नहीं है, लंबी चौड़ी है। तो भाई द प्लेस मॉल घूम रहा था और ये डिस्प्ले की तारीफ कर ही रहा था कि जैसे ही नज़र नीचे गई तो ये भाई साहब मिल गए। इन्होंने कहा कि मैंने अभी हांगकांग के वीडियोस देखी आपकी, सो आप इधर ही, यू या इवन आई एम सरप्राइज बिकॉज यू नो आई हैव नॉट सीन इंडियंस इन द होल चाइना ट्रिप एंड इन द बीजिंग इट्स माई फर्स्ट डे एंड आई सॉ इंडियन, सो थैंक यू। यू लिव इन चाइना ओनली? Yeah, we are living since 2005 actually, so it's like 18 years. Yeah. अच्छा, हिंदी तो समझते होगे आप? हाँ, हिंदी।
except my children, we both speak. अच्छा, वैसे इंडिया में कहाँ से, लाइक विच स्टेट? We are from हैदराबाद. इस सर जी ने पानी पूरी मंगाई हमारे लिए. सर आपका नाम क्या है? सुरेश. सुरेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया. और आपका नाम क्या है मैम? रजिता. रजिता जी, अच्छा. सर ने बोला कि पानी पूरी आगे फेमस है, गंगेज नाम है ना? सुरेश जी, थैंक यू सो मच फॉर दिस पानीपुरी. इट वॉज नाइस मीटिंग यू. बहुत अच्छा लगा, इंडियंस मिल गए, मतलब सेम ईयर सेम ईयर सेम ईयर. बहुत अच्छा लगा. चाइना में इतना दिन रहा लेकिन अब तक कोई इंडियन फैमिली ऐसा परिवार मिला नहीं जो चाइना में ही सेटल्ड है. और ये भाई जी मिल गए, हैदराबाद के थे वैसे लेकिन 18 साल से चाइना में ही रहते, यहाँ पे कुछ बिजनेस डेवलपमेंट में जॉब करते वो भी, लेकिन सुन कह रहे परिवार के साथ क्योंकि बच्चों को अभी आगे पढ़ाई करानी है तो चाइनीज़ में नहीं करानी है तो अभी इंडिया शिफ्ट हो जाएगा बैक टू. एनीवेज लेकिन अब हम जा रहे हैं सीसीटीवी कैमरा, क्या बोलते हैं, हेडक्वार्टर. हाँ, सीसीटीवी हेडक्वार्टर, मतलब अंदर नहीं जाएंगे, बाहर से वो इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे. बहुत ही प्यारा है मेरे हिसाब से. लाइटिंग ये रात में, अभी देर रात हो गई है, 10 बज के चले गए जिसके कारण इतना दिखेगा नहीं, लेकिन जो भी दिखे देख लेंगे, है ना, समझ में तो आ ही जाएगा कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है और क्यों यूनिक है. सो गाइज, हियर वी आर नियर टू द सीसीटीवी हेडक्वार्टर्स, क्योंकि काफ़ी शानदार लग रही है, मतलब जो एक्सपेक्ट किया था वैसा ही स्पेशल लग रहा है. जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करो तो हालांकि अगर लाइटिंग ये होती तो और प्यारा लगता. एनीवेज मैं दिन का भी इमेज बाजू में दे देता हूँ, आपको आइडिया आ जाएगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है और क्यों खास है. 44 मंजिला इमारत है और इस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर. बता दूं कि ये बीजिंग का यही एक एरिया है जहाँ पे ये लेवल के इंफ्रास्ट्रक्चर है. आप कह सकते हो बीजिंग वर्ल्ड ट्रेड सेंटर हो गया है ना, ये सारी बिल्डिंगें यहीं पर मिलेगी. बाकी बीजिंग में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है वो लेवल का जैसे शेंजन में है, जैसे शंघाई में है, चोंगचिंग में है. बिकॉज बीजिंग कैपिटल सिटी भले ही है लेकिन वैसी है, मतलब रूरल प्लस अर्बन का कॉम्बिनेशन रहता है ना. इनफैक्ट घूमने फिरने के हिसाब से भी बीजिंग में इतना मॉडर्नाइजेशन के हिसाब से नहीं है, पुराने स्टाइल का है सब कुछ, जैसे कि पैलेसेस हो गया, किंगडम्स हो गया, टेंपल्स हो गया, एंड ऑफकोर्स ग्रेट वॉल ऑफ चाइना. हम कल वही तो कवर करेंगे पूरा दिन, सुबह चले जाएंगे उठ के और पूरा कवर करेंगे, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा. आज का वीडियो ना थोड़ा छोटा ही रखते हैं जिसमें हम वुहान से स्पीड ट्रेन में सफर करके आए बीजिंग, यहाँ पे मैंने एक इंडियन फैमिली से मुलाकात करवा दी, कुछ स्पेशल मॉल्स और ये हाई राइज बिल्डिंगों के दर्शन करवा दिए रात में बीजिंग के, है ना. आज का वीडियो शॉर्ट ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा जिसमें हम स्पेशल 7 वंडर्स वर्ल्ड का ग्रेट वॉल ऑफ चाइना कवर करने वाले. तो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड, लव यू ऑल. ये मेरे बाल, अरे तेरी, अब भी सेल्फी कैमरा से अब भी शूट कर रहा हूँ तभी दिखे कि मेरे बाल ये कैसे हो गए सब. यार पूरे वीडियो में ऐसे ही था क्या?